मधुबनी के जयनगर सीमावर्ती इलाके में फिर से एक लावारिस लाश मिली है, और लाश जैसे ही मिली है खबर जो है सनसनी की तरह फैल गई है। बता दें कि मधुबनी के जयनगर सीमावर्ती इलाके में कमला नदी के तट पर जो है एक उपलता हुआ लावारिस लाश मिली है। जैसे ही उपलता हुआ लावारिस लाश की जानकारी लोगों को हुई है, लोगों की तादाद जो है बढ़ गई। बता दें कि लोगों ने उस लाश को लेकर के स्थानीय जो प्रशासन है उसको सूचना दिए, उसके बाद प्रशासन उस स्थल पर पहुंचते हैं और प्रशासन जो है उस भीड़ को हटाने में भारी मशक्कत करते हैं। कई घंटों तक उस लाश को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद लाश जब नदी से बाहर निकलती है तो लोग जो है उसे पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां जितने लोग रहते हैं उस लाश को नहीं पहचान पाते हैं। आप देख सकते हैं कि नदी का जो पुला है उस पुला पर लोगों की जो भीड़ है उस भीड़ को आप देख लीजिए। लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती गई, प्रशासन आए, उन्हें भी काफी परेशानी हुई। चूंकि वो लाश जो है सो कई दिनों से उस पानी में रहा होगा, इसलिए लाश जो है सो फूल गया था। वहीं उस लाश के सर में जो है हेलमेट लगा ही हुआ था। तो आप समझ सकते हैं ये जो लाश जयनगर के सीमावर्ती से निकली है कहीं ना कहीं क्राइम की ओर इशारा कर रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगातार मधुबनी में लावारिस लाशों की बौछारें लग रही है। आपको हमने राजनगर में एक लावारिस लाश के संदर्भ में जानकारी दिए थे, वहीं हरलाखी में भी एक लावारिस लाश कमला नहर से मिली थी, वहीं आज जो है सो कमला नदी से एक लावारिस लाश मिली है और उस लाश को वहां के लोग पहचान नहीं पाए हैं। अर्थात प्रशासन भी मशक्कत कर रहे हैं कि आखिर ये लाश कहाँ की है। तो आपको बता दें कि लगभग 40 से 45 वर्ष उस लाश की उम्र लोग बता रहे हैं। तो वहीं उनके सर में जो है सो हेलमेट लगा हुआ है, लाश बिल्कुल फूल चुकी है। चूंकि पानी में कितने दिनों तक रहा है इसकी भी कोई अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। जब लाश फूल गई है उसके बाद कमला नदी में जो है जयनगर के समीप उपलता हुआ लोग जो है देखे हैं। उसके बाद जो है इस घटना की जानकारी प्रशासन को दी जाती है। प्रशासन पहुंच करके उस लाश को अपने कब्जे में लिए हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए मधुबनी सदर हॉस्पिटल भेज दिए हैं। बाकी आप लोग इस घटना को लेकर के अपनी राय दे सकते हैं और साथ में मधुबनी में जो क्राइम बढ़ रही है उसको लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।